हाय नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिग्गा ब्लॉग में। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गांव बहादुरपुर में राजीव चौधरी के मकान पे। तो दोस्तों आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार मकान, गांव के अंदर किसान परिवार रहता है और बहुत ही सुपर मकान इन्होंने बनाया है। ये मकान का फ्रंट गेट है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम आपको पूरा कवरेज करके दिखाएंगे। दोस्तों ये है मकान का फ्रंट एरिया, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम आपको पूरा कवरेज करके दिखाएंगे। जस्ट बराबर में आप देख सकते हैं कृषि संबंधी यंत्र इनके, और सामने बहुत ही सुंदर मकान बनाया है इन्होंने। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं इनके कृषि संबंधी यंत्र, टीलर है, ये एक बोने वाला जोतने वाला है, और ये हैरो वगैरह। ये देखिए बहुत अच्छी फुलवाड़ी इन्होंने लगा रखी है, और ये सामने इनकी ट्रॉली है, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा घेर बना रखा है इन्होंने। उस तरफ में इनके पशु वगैरह बनते हैं, और जी ये देखिए गांव के अंदर चौधरी परिवार बहुत ही शानदार तरीके से रहता है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा इनके पशु वगैरह बन रहे हैं, और जो मकान के ओनर है उनसे बातें करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। किसान परिवार गांव के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहता है, और हम बातें करेंगे जो मकान के ओनर है उनसे बातें करेंगे और जानकारी लेंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जी सबसे पहले अपने बारे में बताएं, अपना नाम, गांव का नाम। राजीव कुमार है जी, गांव का नाम बहादुरपुर जी। तो राजीव जी, ये जो मकान आपने बनाया है लगभग कब बनाया था, और इसके अंदर कितने कमरे हैं जी? इसे लगभग बनाए हो तो करीब 6-7 साल हो। अच्छा, और कमरे कितने हैं? 11-12 कमरे। कितने एरिया में बना हुआ ये? लगभग मान लो जी आप करीब यहाँ से वहाँ तक पर तक पूरा 12-20 से। अरे बहुत बढ़िया, 10-12 कमरे इसके अंदर यहाँ। अच्छा, तो अपनी जो बैठक है जैसे विशेष बैठक रहते हैं वो दिखाइए मुझे, आइए आ जाओ। तो दोस्तों देखते हैं हम आपको दिखाएंगे जो इनकी बैठक है। ये देखिए ये इसका फ्रंट गेट है, यहाँ से एंट्री करते हुए चलो जी, लाइट जला दीजिए इसकी। अरे वाह भाई वाह, ये लाइट जलाओ पहले इसकी, वाह। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर कलेक्शन, वॉल वन साइड वॉल स्ट्रक्चर, और ये इन्होंने सिंगल बेड डाला हुआ है इसके अंदर, वाह। मुड़ाई पर पड़ा है, कितने में कितने का जी कमरा है? कितने बाई कितने का जी? 12x15। दोस्तों ये कमरा बहुत ही खूबसूरत है, 12x15 का बना हुआ है, 12x15 इसका एरिया है, और जस्ट बराबर में एक और है, एक कमरा और है। हाँ जी, ये देखिए वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। ये अटैच कमरा है, काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा हो कमरा नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ा हॉल है, वाओ। ये देखिए खाट, खाट काफ़ी सुंदर बनाई हुई है, ये लोहे की है वैसी लकड़ी की दिखें, हाँ वाह भाई वाह। गांव के अंदर इस तरह का बहुत ही रेयर मिलता है दोस्तों, जो फैसिलिटी लोग शहरों में ढूंढते हैं वो सभी सुविधाएं गांव के अंदर उपलब्ध हैं।
ये देखिए, वाह भाइयों, मोड़े भी रखे हुए हैं बढ़िया। यहाँ से एग्ज़िट होते हुए हम आपको दिखाएंगे मकान का अपसाइड एरिया, और जी चलते हैं दोस्तों। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा मकान का ऊपरी हिस्सा, ये देखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हुए, वाओ। आओ जी, चलो बातें ले आओ, आ जाओ। यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, काफ़ी बड़ा एरिया वहाँ तक है ना पूरा? हाँ जी, वहाँ तक पूरा तुम्हारा ये है सारा जी। बहुत बढ़िया। तो जी हम आ गए हैं मकान के ऊपरी हिस्से में, वाओ एकदम मस्त। ये देखते हैं, यहाँ से ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मकान बनाया है इन्होंने। अच्छा, दो कमरे तीन? एक रसोई है, दो कमरे। अच्छा अच्छा, ये रसोई है। चलो ये दिखाते हैं दोस्तों, देखिए कलर कलेक्शन भी एकदम सुपर, साफ सफाई की विशेष ध्यान दिया गया है। और जी ये देखिए रसोई इनकी। अच्छा, अभी कुछ सामान रखा? नहीं अभी रखा। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ये देखो दोस्तों एकदम मस्त। और ये क्या टोकरी डिजाइन डाल रहे? तो कुछ रखा इसके अंदर? और देखो दोस्तों, देख सकते हैं ये पलिया बना रखे हैं इन्होंने, बहुत ही बढ़िया एकदम मस्त। ये डिजाइन देखिए कितना सुपर है। ये बनाई गई है गत्ते से, गत्ता और मिट्टी लगा के उससे बनाई हुई है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये है हस्तकला का एक बेहतरीन नमूना, ये इन्होंने इसमें लगा रखे हैं डिजाइन। चलो जी, यहाँ से एग्जिट होते हुए हम चलेंगे बाहर की तरफ। चलिए दोस्तों, जस्ट बराबर में एक कमरा है, और जी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला कमरा। वाओ, बहुत ही बेहतरीन, कलर भी सुपर है। यहाँ से एग्जिट होते हुए हम आपको दिखाएंगे, बहुत ही सुपर लकड़ी का यूज़ किया गया, और जी छत में भी कलर बढ़िया। दोस्तों ये है मकान का खाली एरिया। ये वाला लैट्रिन, ये मतलब बाथरूम बनाया है विशेषकर नहाने के लिए। वाह भाई वाह। अच्छा, वो उस साइड गेट है? चलो जी, ये देखिए। अच्छा, ऊपर ममटी बनाई हुई, वो बहुत बढ़िया डिजाइन है। मैं आपको दिखाऊंगा मकान का डाउन साइड एरिया, ये यहाँ से देख सकते हैं आप एकदम सुपर। पेड़ वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने, सामने इनकी कुट्टी मशीन। और यहाँ से हम चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ चलते हुए ये देख डिजाइन आप।
डिजाइन एकदम सुपर है। और यहाँ से हम चलते हैं नीचे की तरफ। दोस्तों देखते हैं, ये इन्होंने विशेष एक हॉल बनाया था पशुओं के लिए, सभी पशु वगैरह इसमें बंद अंदर बंधे हुए हैं। ये देखते हैं, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। कितनी भैंसे साढ़े ढंग 10-12 हैं, वाह भाई वाह। अच्छा वो वहाँ की खोर है और ये चारा है सामने। इस तरह मशीन बढ़िया है इनकी। और जी ये देखते हैं, दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। नमस्कार।